शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जेंटलमैन, शारदा सारी निकेतन की तरफ से मैं सुरेश मोदी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम आपके लिए लाए हैं आज की मॉडर्न नारी के लिए एक अनमोल तोहफा, द रेवोल्यूशनरी जिप अप सारी। ये जिप अप साड़ी का आइडिया आपको कहाँ से आया? आप जैसी किसी यंग और चार्मिंग वर्किंग लेडी को देखकर। But honestly, ये आइडिया मेरी बेटी लतिका का है। वो भी एक वर्किंग वुमन है और वो ये जानती है कि आज की मॉडर्न वर्किंग वुमन की जरूरत है क्या है। सुरेश जी, या सर, आप खाली हाथ आए थे गुजरात से और आज देखिए डोनेशन भी दे रहे हैं तो लाखों में। देखिए, देने वाला तो वो है, मैं तो सिर्फ अपने हाथ खुले रखता हूँ, देने के लिए भी और लेने के लिए भी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं। आज वुमेन्स डे पर हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुछ डोनेट करते हैं, तो शारदा शिक्षा सदन के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन के लिए, जो है 50 लाख रुपए। मिस्टर मोदी, हमने नोट किया है कि आपकी सारी कंपनी आपकी पत्नी शारदा जी के नाम पे है, यहाँ तक कि आपकी एजुकेशनल ट्रस्ट भी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर पत्नी का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ना करें तो घर जाने के बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा? बट सीरियसली, जब भी मैं मुंबई में होता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि लंच और डिनर मैं घर जाकर ही करूँ। क्या बात है मोदी साहब, तो आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं? यार नहीं, रिस्पेक्ट। प्यार बहुत छोटा शब्द है। मैं अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूं। वो एक औरत ही है जो एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक घर की, एक समाज की नींव रखती है। हम पुरुष बहुत घमंडी होते हैं, लेकिन हमारी सारी अकड़, हमारी सारी कामयाबी उनकी वजह से, जो दिन रात हमारे लिए कमर कसकर घर की जिम्मेदारियां उठाती है। तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाती है वो। कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हैं वो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक औरत सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रहे तो ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। उसे एजुकेट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर वो बच्ची, हर वो महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, एजुकेट होना चाहती है, मैं ये वादा करता हूं कि हम उसके साथ। माफ कीजिएगा मिस्टर मोदी, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए हैं। ये चैरिटी, ये डोनेशंस, ये सब टैक्स बचाने के तरीके हैं। ये ग्लास आधा खाली है लेकिन आधा भरा हुआ भी है, देखने का अपना अपना नजरिया है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि मेरा एक सपना है कि हर औरत शिक्षा की ताकत अपने पंखों में लेकर नए आसमान छूए और अपनी एक नई पहचान बनाए। निम साहब,
हर जगह आपका ही नाम, शारदा शारदा। आप क्यों नहीं जाती सांप के साथ ऐसी जगह? पगली, वहां मेरा क्या काम है? ये घड़ी तो मेरी पहचान है। आपके कपड़े रखवा दिए। हाँ, और ये बच्चों के कमरे में रखवा दे। जी मैम साहब। शारदा, तू तो ऐसे देख रही है जैसे सब कुछ पढ़ लेगी क्या लिखा है। अरे हिसाब देखने में क्यों वक्त गवा रही है? दोबारा हिसाब देखो। 1900 में 10 रुपए कम मैम साहब, मैंने दो बार देखा, हिसाब बिल्कुल बराबर है। 1590, 1890 हो ही नहीं सकता। मैं अपने तरीके से सब हिसाब रखती हूँ। लेकिन बाबूजी ने तो कहा था कि आपको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता तो क्या मैं अनपढ़ हो गई? घर गृहस्थी का हिसाब रखने के लिए हाथ में कागज कलम लेने की जरूरत नहीं होती। गृहिणी के हिसाब में गलती निकालने की गलती कभी मत करना, वो हिसाब की पक्की होती है। जी मैम साहब, अब दोबारा गलती नहीं होगी। अच्छा बस बस, पहली बार तो बेचारे ने गलती की है और तू इसकी क्लास लेने लग गई। शंकर देख भाई, आज से दिन में दो बार आना, मेरे पोते करण की शादी है। जी दादी। You're crazy man। मैं और शादी, वो भी अभी अभी लाइफ शुरू भी नहीं हुई और अभी लिख दूं बिलीव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो सपने देखना छोड़, तेरे एडवेंचर तो बनी उनके साथ खत्म। शादी तो 35 के बाद ही होगी। बट 35 तक करेगा क्या तू? मंजिल का पता नहीं और रास्तों का डर नहीं। तू चाहे जितना भी उठ ले, तू करेगा वही जो पापा चाहते हैं। 4 दिन बाद शादी है तेरी डूड, सो स्टॉप डे ड्रीमिंग नाउ। नो वे, मैं नहीं करने वाला शादी, फिर चाहे कितना भी फोर्स कर ले। मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन। फिर मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन? कोई ऐसे बुलाता अपने पापा को? रोहन चल बाद में कॉल करता हूँ, बाय। ओके ओके चल बाय। चल जल्दी से तैयार हो, वो आते ही होंगे। नो वे मामा, लंच पे पापा की एडवाइस का ओवरडोज नहीं चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ, डैड आए तो कह देना। आप आ गए? हाँ मैं भी खाना लगाती हूँ। मैं भी रेडी हूँ डैड। देखा, मजाक कर रही थी आप। हाँ प्लीज, वैसे ही डैड के डर की वजह से दोस्तों में मजाक बनाऊ मैं। क्यों डैड मेरी शादी उनके किसी बिजनेस कलीग की बेटी के साथ करवाना चाहते हैं? क्यों? बेटा कुछ सोच के किया होगा उन्होंने, तुम्हारे भले के लिए। अच्छी लड़की है। अच्छा आपने देखा उसे? तो फिर जिसे आपने देखा नहीं उसकी तारीफ क्यों कर रही हो? मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन के कहने पर ये शादी कभी नहीं। इस उम्र में शादी का मतलब लाइफ का दी एंड। ऐसा नहीं सोचते बेटा, शादी एक नई शुरुआत होती है, एक पवित्र बंधन में बनते हैं दो इंसान, दो दिलों का मिलन होती है शादी, फिर एक दूसरे का हाथ थाम के जिंदगी के सफर पे चलते हैं, जो सफर सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक चलता है। ओहो, 7 जन्म? नो वे, एक ही जन्म काफी इस मोदी फैमिली में। हाँ बेटा मेरी बात सुनो। अरे बेटा सुनो। अरे बेटा, बेटा सुनो, ये मेरी ईट टिकट देख के जरा बताओ तो क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण बेटा, मॉम,
चिराग, ये टिकट देखना क्या लिखा है। मॉम, मुझे जल्दी से 20,000 रुपए दे दो। 20,000? क्यों? अभी परसों तो तुम्हें 15,000 दिए थे मैंने। That's blown away. क्या? I mean, खत्म हो गए। अब मुझे जल्दी से 20,000 दे दो, मुझे लंच के बाद बाहर जाना। पहले मुझे 15,000 का हिसाब दो तुम। Are you kidding me? You want a हिसाब? हाँ, पता तो चलना चाहिए ना कि इतने सारे पैसे गए कहाँ? Okay. अगर मैं कहूँ कि मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, तो कुछ समझ आएगा क्या? तुम समझाओगे तो समझ जाऊंगी ना कि ये पैराग्लाइड जो भी है क्या होता है। मॉम, तुम अच्छे से पैराग्लाइडिंग तो बोल नहीं सकती, समझोगी क्या? नाउ प्लीज माय स्वीट मॉम, मुझे जल्दी से 20,000 दे दो, लंच के बाद बाहर जाना। मैं पैसे नहीं दूंगी। ओह गॉड, यू आर इम्पॉसिबल। पापा को आने दो। अरे चिराग, ये बताना टिकट। मामा, मामा। हाँ आई। नानी, नानी। क्या मामा, अभी ना दिया को पिकअप करने नहीं आई। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि उसे जल्दी लेने आना है? तो हर बात बतानी पड़ेगी क्या मामा? आप जानती हो ना कि आज पापा की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे वहाँ होना चाहिए था उनके साथ। बेटा मैंने फोन किया था पर तुमने फोन उठाया नहीं। हाँ तो बिजी होंगी उस वक्त, आप दोबारा फोन कर लेती या फिर घर आ जाती ना। माँ आज के दिन हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है, मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो गया। आज शाम को करण के होने वाले लॉस के साथ हमारे कंपनी के मर्जर की अनाउंसमेंट है। बेटा घर में शादी है, बहुत सारे काम थे। What काम मामा? Come on यार, आप दिन रात घर पे रहती हो, मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों नहीं संभालते। And don't forget it, you're just a housewife. बेटा वैसे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जब तक दिया बड़ी नहीं हो जाती ये बाहर की भागदौड़ थोड़ी कम कर लो तुम। और फिर क्या करूं, आपकी तरह एक टिपिकल सी हाउसवाइफ बनके घर पे बैठी रहूं, राइट? कम ऑन मॉम, दैट्स नॉट मी। डैड ने इतना पढ़ाया लिखाया सब वेस्ट कर दूं। यू नो व्हाट, दैट इज सो राइट अबाउट यू, यू कैन नेवर टॉक सेंस, लाइक नेवर। क्यों डाटा उनको, सॉरी बोलो। नहीं बेटा, जैसे तुम अपनी मम्मी को डांटती हो ना कभी कभी, वैसे मम्मी मुझे डांट रही है, वो भी मेरी बेटी है ना। तो तुम जाओ, जाओ दादी को बुला के लाओ। दादी, दादी। आप तो जानते हो ना कि जब मैं टेंशन में होती हूं तो यूं ही कुछ भी ब्लाबा कर देती हूं, और फिर आप यूं मुंह छोटा सा कर लेते हो तो मुझे गिल्टी फील होता है। प्लीज। अच्छा छोड़, छोड़ अपना ये गुस्सा, मैं खाना लगाती हूं। हाँ ये क्या है? मेरी ट्रेन की टिकट, मैं ना वो आज। इतनी बार कहा है मामा ट्रेन से ट्रैवल मत किया करो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि सुरेश मोदी की वाइफ ट्रेन से ट्रैवल करती है। बेटा जो आज तक नहीं किया वो मैं अचानक कैसे कर पाऊंगी, और वैसे भी मुझे अपनी बहू के लिए एक अच्छी साड़ी लेके आना है, पटोला साड़ी चाहिए मुझे, और उस पर मैं अच्छी सी कढ़ाई करूंगी, देखना मेरी बहू कितनी खूबसूरत लगेगी उसमें। सॉरी मामा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा। मामा मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप प्लेन से जाइए ना, इट्स मच मोर कन्वीनियंट।
नहीं, वो मुझसे नहीं होगा। तुम तो जानती हो मुझे हवाई जहाज से बहुत डर लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? दुनिया चांद सितारों पर पहुंच गई है लेकिन हमारी पत्नी को प्लेन में बैठने से डर लगता है। Hey Dad. डैड, मुझे ना आपसे कंप्लेन करनी है मॉम की। वो समझती ही नहीं है और पॉकेट मनी भी नहीं दे रही। अभी परसों तो दिए थे और मैंने मना थोड़ी किया है, सिर्फ हिसाब मांगा है तुमसे। शारदा, एक धोबी के हिसाब में क्या जीत गई कि तू अब चिराग से हिसाब मांग रही है? सुरेश बेटा, जब तू छोटा था ना, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भगवान की दया से तेरे पास सब कुछ है। तेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर फिर भी कुछ। मैं मैनेजर से कह दूंगा, वो 25,000 दे दे। ओके, लव यू पॉप्स। थैंक यू दादी। हिसाब तो बच्चों को देना। छोटे छोटे हिसाब करके ना शारदा, तुम आज भी मुझे गुजरात के उस छोटे गांव की याद दिलाती हो जहां हमारे पास कुछ भी नहीं था। पर चिराग मक्खन, amazing dad. पिछले 30 सालों से आप रोज मामा के हाथ का बना मक्खन खा रहे हैं। 30 years of mama made butter. भाई, ये घर का बना मक्खन ही तो है जिसके लिए मैं रोज खाना खाने घर पर आता हूँ। You mean mom is equal to मक्खन? अगर मक्खन ना मिला सिर्फ तभी आप मॉम को मिस करेंगे। Dad, how was the press con? Oh, it was good. तुम्हारा वो education और पंख उड़ान वाला thought काफी appreciate हुआ। Really? Yeah. तुम आए क्यों नहीं? वो मेरी वजह से। शारदा, तुम्हारा नाम? इसे एक brand name बनाया है मैंने। कहां से कहां पहुंचा है? लेकिन तुम आज भी बस वही की वही हो। पटोला साड़ियों पर कढ़ाई करती रहो तुम बस। वो आज कैसा रहा आपका वो इरेस इरे प्रे वो मॉम, डू यू वांट टू प्रेस कॉन्फ्रेंस? मॉम से ना इंग्लिश का एक भी वर्ड ठीक से नहीं बोला जाता। तुम्हारी होने वाली सासू माँ ने तुम्हारी होने वाली वाइफ की लेटेस्ट पिक्चर्स अपलोड की हैं। देखोगे? नो थैंक्स, लेट टू दीदी। हे, डोंट कॉल मी दैट। बेटा, मुझे दिखाओ ना मेरी होने वाली बहू की तस्वीर। लतिका बेटी, मुझे दिखाओ ना। मामा, जस्ट वन सेकंड, एक इंपॉर्टेंट मेल है, बाद में दिखाती। डैड, मैं ले लूंगा, आप रख दीजिए। ये खुददारी सिर्फ नौकरों के सामने? काम में तो नजर नहीं आई कभी। खाना खा रही थी ना। अब ये बच्चा नहीं रहा, शादी होने वाली है इसकी, कब समझेगा जिम्मेदारी? जिस तरह पायलट ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर वापस आ गए,
होटल मैनेजमेंट का कोर्स अधूरा छोड़कर वापस आ गए। जरा देखना कहीं शादी अधूरी छोड़कर बीच में गायब ना हो जाए। वैसे तुम्हें शादी का मतलब पता है ना? हाँ जानता हूं। शादी दो दिलों का मर्जर होती है। शादी एक नई शुरुआत होती है, दो दिलों का मिलन होती है शादी। दो दिलों का मिलन होता है शादी, एक ऐसा बंधन जो 7 जन्मों तक चलता है, वो बहुत ही पवित्र होता है, वेरी प्योर। प्योर जस्ट लाइक और प्योर कॉटन साड़ीज। देख लो शारदा, ये है तुम्हारे लाडले की शादी को लेकर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तो लगता है इससे कोई भी उम्मीद रखना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। करण बेटा, आज मेरी ट्रेन है, तो अगर तुम हम आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं चलूंगा ना स्टेशन आपके साथ। तुम स्टेशन नहीं जाओगे, नहीं तो वहां से अपने दोस्तों के साथ कहीं गायब हो जाओगे। तुम ऑफिस जाओ। यस बॉस, मैं अभी ऑफिस जाने की तैयारी करता हूं। गुड बाय डैड। डैड वो मैनेजर को कॉल कर देना। Bye, Dad. I'll see you in the office. Bye, Mom. Dawai. खाना अच्छा बना था शारदा। सुनिए, वो ये मेरी ट्रेन की टिकट देखे जरा बताइए ना। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी बात हो गई है मैनेजर से, वो तुम्हें ट्रेन में बिठा देगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, पटोला साड़ी खरीदने के लिए तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? वो आज तक कभी गई हो तुम मेरे बिना यूं अकेले? फिर क्यों, यही मौका मिला तुम्हें ये नया एक्सपेरिमेंट करने का? प्रायोरिटी समझो शारदा, घर में कितना काम है। कल समधन जी आ रही हैं सगाई के लिए, 4 दिन के बाद इस घर में शादी है, और तुम हो कि मैं सुबह 6 बजे तक लौटाऊंगी, और मुझे पता है हमारे बेटे की शादी है। ये सिर्फ हमारे बेटे की शादी नहीं है शारदा, 2 कंपनीज का मर्जर है। इससे शारदा सारे निकेतन को कितना फायदा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं मैनेजर से कहूंगा, वो तुम्हें कॉल करेगा। कौन सा नया आसमान छुआ है तूने? पता तू? पता क्या देखा तूने दुनिया में? मैं तो घर की दुनिया में ही रहती हूँ।
फुर्सत ही नहीं बाहर की दुनिया देखो। पता है आज अकेली जा रही हूँ अपनी बहू के लिए शुभ शगुन लेने। किसी ने मुझे उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाई। तू तो उड़ के जा सकता है ना मेरी बहू के घर। तू जा जा, देख क्या और बता कैसी है मेरी बहू। हाँ विनी, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ। आदित्य आने वाला है मुझे प्लेटफॉर्म पे लेने। आई एम सो एक्साइटेड। मैंने अपने सारी लकी चांद अपने साथ कैरी किए हैं। यहाँ से हम जाएंगे सीधा कोर्ट और वहाँ पे शादी। नर्वस? हाँ थोड़ी नर्वस तो हूँ। घर से भाग कर निकली हूँ वो भी शादी करने के लिए, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ वही ड्रेस पहनी है, आदित्य की फेवरेट है ना, मेरे लिए भी बहुत लकी। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे आदि को कॉल करना है ना। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आज के बाद मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छा चल बाय। सॉरी। क्यों नहीं आया अब तक? सुनिए सुनिए, सुनिए, ये अहमदाबाद की ट्रेन किधर है? मुझे नहीं मालूम, सॉरी। सुनिए बहन जी, ये टिकट बताएंगी मुझे? सुनिए, ये बताएंगे मेरी बोगी कहाँ पे है? वहां नोटिस बोर्ड पर रिजर्वेशन चार्ट लगा है, वो देख लो। सुनिए आप, सबर करो, सबकी हेल्प करूंगा, पहले रिजर्वेशन चार्ट तक तो पहुंचने दो यार। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू एक्सक्यूज मी। अरे यार बेटा बेटा, जरा मेरी टिकट देख के बताओ मेरी बोगी कहाँ है। इतनी भीड़ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बताइए कि ट्रेन कौन सी है, नंबर क्या है? तुम पढ़ के देख लो ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आंटी, आपको ई टिकट पढ़ना नहीं आता? अगर आंटी आपको ई टिकट पढ़ना नहीं आता ना, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन में नहीं कराते, आपको प्रॉब्लम नहीं आती? कम ऑन फास्ट यार, ट्रेन छूट जाएगी। बेटा जरा सुनो तो। कल आपने देखा कि शारदा सारी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक सुरेश मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। वुमेन्स डे पर हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुछ डोनेट करते हैं। जहां दूसरी तरफ उनकी खुद की पत्नी शारदा मोदी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अनपढ़ हैं। कम ऑन यार, आप दिन रात घर पे रहती हो, मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों नहीं संभालते। मॉम से ना इंग्लिश का एक भी वर्ड ठीक से नहीं बोला जाता। शारदा के बड़े बेटे करण की शादी होने वाली है। मामा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन के कहने पर ये शादी कभी नहीं। आज अकेली जा रही हूँ अपनी बहू के लिए शुभ शगुन लेने। कौन फास्ट यार, ट्रेन छूट जाएगी। बेटा जरा सुनो तो। ऐसे में एक लड़की उनको सहारा देती है। अब आगे we'll be right back.
एक सेकंड आंटी। ये रहा आपका टिकट। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? तुम्हारे सामने एक औरत गिरी हुई है, उसका टिकट गिरा हुआ है, तुम लोग हंस रहे हो? आंखें है या नहीं कि मर गई सारी इंसानियत? कितने बेशरम लोग हो तुम। माँ की उम्र की औरत तुमसे मदद मांग रही है और तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो? घर में अपनी माँ को ऐसे ही ट्रीट करते हो क्या? ओ हेलो, तुमको हेल्प करनी ना मम्मी जी की, जाके करो। हमको की लेक्चर दे रही हो, न जाने कहाँ कहाँ चले आते ई टिकट लेके। ए मिस्टर, किसी को पीएनआर नंबर समझ में नहीं आता, ई टिकट समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते ना? तुम सबकी माँ को ऑनलाइन रिजर्वेशन आता है? आता है? नहीं आता है ना? ये जो तुम सब अपने हाथ में स्मार्टफोन लेकर घूमते हो, अपने पैसे का तो है नहीं ना, माँ बाप ने दिया हुआ है ना? मतलब सोचो, तुमको वो ज्यादा देते हैं और खुद कम में खुश रहते हैं। तुम्हें एडुकेशन देते हैं, किस काम का वो एडुकेशन जो किसी एक जरूरतमंद के काम ना आ सके? लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। चलो, इसका एजुकेशन तो काम आया आंटी के। Yes. हाँ आया मेरा एडुकेशन काम। कल को इनकी जगह जब तुम्हारी माँ होंगी और दादी होंगी ना, तब ऐसे ही मिलकर सब हंसना। हाँ, मजाक उड़ाना उनका, जो तुम्हारा हाथ था मैं, तुम्हें स्कूल लेकर जाती थी, घर जाकर जी भरकर हंसना अपनी मॉम पर। हाँ, आज पढ़ लिख क्या गए, इंग्लिश क्या आ गई, कंप्यूटर्स क्या सीख गए, एक माँ तुम्हारी नजर में इतनी छोटी हो गई कि सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम सबको अपने आप पर। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी मदद करूंगी ना, चलिए। चलिए, वैसे आप मुझे इतना बताइए, आप बाहर स्टेशन पे इतना डर क्यों रही थी? वो क्या है ना, पहली बार मैं ऐसे शहर से बाहर अकेली जा रही हूँ। हमेशा कोई परिवार का साथ में ही होता है। हमेशा परिवार साथ में नहीं हो सकता ना, कभी ना कभी अकेले मैनेज करना पड़ेगा ना। अरे मुझे जाना होगा, आदित्य मेरा प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे। आपको पता, आज हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा? मॉम को नहीं बताया, सीक्रेट है, लेकिन आपको बताऊंगी। पता नहीं क्यों बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी। क्या है ना, आज मैं और आदित्य भाग कर शादी करने वाले हैं। क्या? हाँ, देखिए मेरी मॉम ने न जाने किसी बिजनेसमैन के बेटे के साथ मेरी शादी तय की। अब मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं करना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी आदि के साथ भाग कर शादी करूंगी। बेटा आप आराम कीजिए, आप बैठिए। आप अहमदाबाद जा रही है ना, मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ। बाय, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। आप पढ़िए ना। हाँ? अपनी जिंदगी अपने हाथ में लीजिए, अब समय धक्के खाने का बिल्कुल नहीं रहा। एक नई पहचान बनाने का समय आ चुका है। नमस्ते। मैं चलती हूँ, अपने बैग्स भूल गई।
की आदि भी ना ऑलवेज ले फोन करती हूँ उसे बैग में होगा शायद ओ गॉड मेरा फोन नहीं मिल रहा सासा तोड़ने गई होगी जाके दे देती हूँ साक्षी हेलो हेलो साक्षी यार मैंने बहुत सोचा घर से भागकर शादी करने के बारे में सोचा आके एक बार बात करूं वो नहीं हो सकता पर नहीं आ सका आई मीन यू वोंट अंडरस्टैंड इट तुम वेट मत करो मेरा घर वापस लौट जाओ मैं नहीं आऊंगा शायद ट्रेन में ही रह गया होगा भूल जाओ कि हम दोनों कभी मिले भी थे आई विश यू गुड लक एंड गुड बाय साक्षी देखिए ना मैं भी कैसी हूँ आधा टाइम फोन ढूंढने में लगा लेती हूँ कितनी बुरी आदत है मेरी ये आदित्य भी ना देखो ना कितना स्टूपिड आंटी अभी तक आया भी नहीं तुम्हारा आदित्य नहीं आएगा क्या उसका फोन आया था उसने कहा कि तुम घर लौट जाओ नहीं आंटी कि आप क्या कह रही हो He loves me, आंटी हमने मिलकर ये प्लान बनाया मैं अभी उसे कॉल करती हूँ Why don't you understand, साक्षी मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है मैं इस तरह शादी नहीं कर सकता मुझे यूएस में जॉब मिल रहा है और ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता तुम भी घर लौट जाओ विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड गुड बाय साक्षी गुड बाय ऐसे कैसे बोल सकता है ऐसे कैसे नहीं आ सकता मुझे लेने साक्षी साक्षी बेटा देखो मेरी तरफ जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़ा वो तुम्हें छोड़ चुका है टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं छोड़ा जा सकता नहीं मेरा आदि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता उसने ऐसा किया है बेटा हो सकता है ये कोई ऊपर वाले का संकेत है कि तुम इस वक्त एक ऐसी औरत से मिली हो जो तुम्हारे अहमदाबाद ही जा रही है तुम मेरी बात मानो घर चलो वापस इसी ट्रेन से हो सकता है किस्मत ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा तय कर रखा हो देर मत करो चलो घर लौट चलो बेटा मैं यहां तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगी देर मत करो गाड़ी चलने वाली है चलो नहीं आप जाइए ना जब तक आदि नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहीं रुकूंगी छूट जाएगी चलो मेरे साथ हाँ साक्षी वो नहीं आएगा उसने फैसला कर लिया है बेटी जो बीत गया उसे भूल जाओ तुम घर चलो बेटी तुम वेट मत करो मेरा घर वापस लौट जाओ मैं नहीं आऊंगा Bro,
तुमने अब तक होने वाली वाइफ की फोटो देखी या नहीं? नहीं देखी, देखनी भी नहीं है। फोटो नहीं देखोगे तो भी शादी होगी तो यही नहीं से। तू बड़े मजे ले रहा है मेरी सिचुएशन के? 4-5 साल रुक जा, उसके बाद तेरा भी यही हाल होगा। नो नेवर। यू नो व्हाट, अपना फंडा तो सिंपल, पापा से पंगे नहीं लेने, क्योंकि उनसे तो पॉकेट मनी लेना है। सो ब्रो बी प्रैक्टिकल, पापा 2 कंपनीज के मर्जर की प्लानिंग कर रहे हैं और उनमें से एक आपकी मदर इन लॉ की है। सो यू नो व्हाट इट मींस, ये मेरी लाइफ है, पापा की कंपनी नहीं जो कहीं भी मर्ज कर दे। कूल कूल, यू नो दैट ब्रो, इस घर में जो पापा कहते हैं वही होता है। तू मेरा छोटा भाई है ना, यू मस्ट फाइट फॉर माई कॉज। सॉरी ब्रो, ये भी कोई कॉज हुआ? ऐसे फालतू कॉज के लिए फाइट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। सो वैसे ब्रो, आपकी होने वाली वाइफ पापा की चॉइस है। डू यू रियली रियली नो व्हाट इट मींस? ओके, वैसे मन किया तो देख लेना, तू नहीं सुधरेगा ना। पापा मेरी शादी नहीं करवा रहे, मुझे अपने बिजनेस के पिंजरे में कैद कर रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी फ्रीडम उनके बिजनेस के लिए खो नहीं सकता। मुझे आज ही उनसे बात करनी होगी। क्या गुस्सा, कितने सपने सजाए थे मैंने, कितनी तैयारी की थी, ये सारे गिफ्ट्स, ये मेहंदी का कोन, सारे सपने टूट गए। नहीं, मैं ठीक हूं मैं, और अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। पापा, I tell you honestly, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं लाइफ में हर काम करूंगा, लेकिन अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। मेरी लाइफ का हर फैसला आप नहीं कर सकते। पापा, ये 1913 नहीं है, 2013 है। यस, कम ऑन करण, पक अप। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पापा की नजरों से नजर मिलाकर आज उन्हें बोल देना है, बता दे कि तेरे दिल में क्या है, बता दे कि तू क्या चाहता है। यस। क्या बोलना है पापा से? बोलो। वो एक्चुअली भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें, कभी घर से दूर भागते हो, कभी काम से दूर भागते हो, लेकिन शादी से भागने की सोचना भी मत। जी। मैं जानता हूं तुम मेरी सलाह इतनी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड रखा करो, बेकार के थॉट्स डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। कल सुबह लड़की वाले घर आ रहे हैं, शाम को तुम्हारी सगाई है, भाग मत जाना। जी पापा।
मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। एटलीस्ट लव मैरिज में आप एक दूसरे को जानते हो। किसी अजनबी से कोई शादी कैसे कर सकता है, कैसे अपनी जिंदगी बिता सकता है? अंतने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। टूटे सपनों को सहज कर रखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? तुम आगे बढ़ना चाहती हो ना? कैसे कहा था मुझसे हक से कि ये धक्के खाने का समय नहीं है, अपनी पहचान बनाने का समय है। कहा था ना, वो तुम्हें धक्का देके चला गया और तुम वहीं गिरी पड़ी रहोगी, आगे नहीं बढ़ोगी। नहीं, तुम ऐसी नहीं हो। तुम में हिम्मत है लड़ने की, सच बोलने की और दूसरों को सही रास्ता दिखाने की हिम्मत है तुम में। तुम कमजोर नहीं हो। झूठ कैसे सकती हो तुम? वो कमजोर था, डरपोक था, इसलिए वादा करके भी तुम्हें मिलने नहीं आया। तुम्हारे काबिल था ही नहीं वो। जिंदगी के किसी भी मुश्किल समय पर तुम्हें छोड़ के चला जाता वो। अच्छा हुआ आज ही चला गया। समझदार वही कहलाते हैं जो अतीत से सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। चाय पीती हूँ? अच्छी चाय है बेटा। मेरे हिसाब से जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, सब कुछ पहले से ही तय होता है। कब क्या होगा और क्यों ये शायद हमें पता ना हो, पर जो ऊपर बैठा भगवान है ना, वो हमारी उंगली पकड़ के हमें सही रास्ते पे ले जाता है। सीरियसली ऐसा होता है क्या? ऐसा ही तो हुआ है, वरना हम दोनों कैसे मिलते? शायद भगवान चाहते थे कि ऐसे समय में कोई तो तुम्हारे पास हो जिसके साथ तुम बात कर सको। ये एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, हो सकता है सही राह वो हो जो तुम्हारी माँ ने चुनी हो, हो सकता है जो रिश्ता तुम्हारी माँ ने तुम्हारा तय किया हो वो परिवार बहुत अच्छा हो, वहाँ अच्छी सास हो, अच्छा ससुर हो और एक ऐसा पति हो जो तुमसे बहुत प्यार करे, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखे। हो तो सकता है ना? अपनी माँ की बात सुनो, लड़के से मिल लो, उसके परिवार से मिल लो। एक्चुअली सच कहूँ मुझे अरेंज मैरिज से ही डर लगता है, इसलिए मैंने मॉम की किसी भी बात को सीरियसली नहीं ली, बिना सोचे उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। आई वाज सो एक्साइटेड भागकर शादी करने के प्लान से। आई मीन इट्स सो रोमांटिक ना? भागकर देख लिया, अब रुक कर देखो। मम्मी की बात पर सोच के फिर तय करो आगे क्या करना है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है? या क्या आदित्य जैसे धोखेबाज है? दिल से पूछ लेना। हाँ बेटा, दिल झूठ नहीं बोलता। दिल हाँ करे तो हाँ, दिल ना कहे तो ना। एक मौका तो दो अपने आप को। अगर दिल हाँ करे तभी शादी करना। अरे क्या कर रही हो? जान देने जा रही हूं। क्या? डरिए मत, उस टुप्पड़ इडियट के लिए मैं अपनी जान नहीं देने वाली हूं। मैं बस आपकी हर बात अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही हूं। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अरे क्या बात कर रहा, आप आइए। मैं हूँ। अरे अरे हम उड़ जाएंगे। अरे तो उड़ने दीजिए ना, पंछी हमेशा आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, जमीन पर नहीं। सो एंजॉय।